हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है ग्रो ऐप के अंदर। तो ग्रो ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है और आपको जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से फॉलो करना है। लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी से अपना लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, तो मोबाइल नंबर एक सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो आप नंबर डालेंगे और ओटीपी डालेंगे। ओटीपी जैसे ही डालेंगे तो ओटीपी डालने के बाद आपको फिर पैन का डिटेल डालना होगा। तो पैन नंबर सबसे मस्ट होता है, पैन नंबर इसमें होना ज़रूरी है क्योंकि पैन से ही डीमैट अकाउंट खुलता है। तो पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालने के बाद इसको आगे करेंगे, आपको यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको बैंक कौन सा लिंक करना है वो आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पेटीएम बैंक को लिंक कर देता हूँ, क्योंकि जब भी उस पेमेंट इसमें वॉलेट में ऐड करेंगे ग्रो ऐप का वॉलेट में, तो इसी के थ्रू ही आपको ऐड करना पड़ेगा, दूसरे से आपको ऐड नहीं होगा। यहाँ पे पिन नंबर डाल के मैंने वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, ऑथेंटिकेशन दे देते हैं। उसके बाद ₹1 जो है वो आपका अकाउंट से डेबिट होगा, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ₹1 का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया, और उसके बाद फिर अकाउंट जो है वो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया, बैंक सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो ऑक्यूपेशन में आप जो भी हैं बिजनेसमैन है या जो भी है डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो डिटेल मांग रहा है, एनुअल इनकम क्या है, तो आपको जो लगता है एनुअल इनकम है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। मैरिटल स्टेटस डाल देंगे, और इसमें आप बिगनर हैं या फिर एक्सपीरियंस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिजी लॉकर से अगर आपको KYC करना है तो आप डिजी लॉकर से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिजी लॉकर का पासवर्ड डालने के लिए आएगा डॉक्यूमेंट करके, ऑथेंटिकेट आधार। तो यहाँ से हम अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद OTP डाल करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ। यहाँ पे फिर 6 डिजिट का पिन नंबर सेट करने के लिए आ गया, आप पिन नंबर सेट कर देंगे। 6 डिजिट का पिन जो है वो सेट करना है यहाँ पर। उसके बाद आगे मैं लोकेशन को अलाउ कर देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं, वेट कर लेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे सेल्फी मांग रहा है, यहाँ पे मतलब आपका एक फेस का फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे लगता है। तो यहाँ पे मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ अपने दोस्त का। ये दोस्त का अकाउंट मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको बना करके। यहाँ पे डालने के बाद जब फोटो क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन आया। तो आप अगर सिग्नेचर फ़ोन में है आपके तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर स्क्रीन पर ही आप सिग्नेचर करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आता है ऐड नॉमिनी, तो नॉमिनी को आप यहां से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाले बटन से स्किप भी कर सकते हैं, तो स्किप कर लेंगे फॉर नाउ, अभी के लिए स्किप कर लेते हैं। फिर आधार ई साइन के लिए अब फिर से एक आपको OTP जाएगा, आधार नंबर डाल करके OTP जाएगा, उसको आधार का ई साइन करना होगा आपको फिर से। दोस्तों डीमैट अकाउंट बना करके यहाँ पर आप दोनों को चेक कर देंगे, दोनों को चेक करके उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा, जो भी आप अपने फॉर्म भरा है वो सारा फॉर्म आपका भरा चुका है, फिल हो चुका है, फोटो वगैरह सारा कुछ, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ आ गया है। एक लंबा चौड़ा पेज है, मतलब अप्रॉक्स 14 पेजेस का ये फॉर्म है। तो ये सारा कुछ हो गया है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है फिर से एक बार, तो यहाँ पे आधार नंबर डाल करके ऑथेंटिकेट करेंगे OTP डाल करके। यहाँ से OTP आ गया है, OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद वैलिडेट वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुल हो गया है, और यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब आधार ई साइन का प्रोसेस, कॉन्ग्रेचुलेशन नेम और नेम वगैरह करके आ गया है, इसका मतलब आपका जो है वो रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गया है। अब जो है ये 48 घंटा से 72 घंटा के अंदर आपका जो है अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से ऐड मनी टू इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अभी ऐड मनी नहीं करेंगे, जब तक अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है तब तक हम इसमें मनी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो का अकाउंट आपका जो है खुल चुका है, यहाँ पे नेम रहेगा ऊपर में, और बाकी यहाँ से आप ऐड मनी पे भी क्लिक करके अपना पैसा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटीएम बैंक दिख रहा है, उसी पेटीएम बैंक से आपको ऐड करना होगा, बाकी और कोई भी दूसरे से ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसी को आपने लिंक किया है। यहाँ पर 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया जितने भी आप चाहें उतना आप ऐड करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज के लिए आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखें, बहुत सारा वीडियोज़ है,
उस पर आप देख सकते हैं शेयर मार्केट का नॉलेज के लिए। यहाँ पे मैंने अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं डीमैट अकाउंट, वो भी फ्री में, उसके लिए मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इन्वेस्ट करने के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर आप कर लेंगे तो इन्वेस्ट कैसे होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है आपको नोटिफिकेशन कि जब तक एक्टिवेट नहीं होता है तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं एक दूसरे मोबाइल में दूसरा अकाउंट से आपको इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ उसी तरह। तो इस तरह से कोई भी एक शेयर ले लेंगे, शेयर का जो भी प्राइस होगा 19.50 रुपये इसमें दिख रहा है, बाकी आप जो भी शेयर लें 1800, 3000, 4000, 5000 सब तरह का शेयर होता है, उस कंपनी के बारे में पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो मैं अभी इंट्राडे के लिए कर रहा हूं। तो यहां पे आप ऊपर में देख सकते हैं डिलीवरी और इंट्राडे है, तो मैंने इंट्राडे सेलेक्ट किया हुआ है और यहां पे NSE रहने देंगे और क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपके वॉलेट में पैसा है उस हिसाब से। तो 467 मेरे अकाउंट में पैसा है, तो मैं ग्रो ऐप का जो बैलेंस है वो 467 है, तो उसी के अंदर हम इस कुछ परचेस करके आपको दिखा देते हैं। 120 क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे लेवरेज मिलता है हम लोग को, 5 गुना ज़्यादा तक का अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि मेरे पास 467 रुपीस ही है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा का शेयर आप ही खरीद सकता हूँ इसमें इंट्राडे के अंदर में। अगर डिलीवरी बेसिस पे लेते तो उस पर नहीं खरीद पाते, उसमें जितना भी पैसा 467 है तो 467 ही के अंदर का ही मटेरियल हम शेयर को परचेज कर पाते। यहाँ पे मैं 110 क्वांटिटी सेलेक्ट करके उसके बाद बाय बटन पे क्लिक करेंगे और ये बाय हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ऐड स्टॉप लॉस जो है नीचे में बटन, उसको आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है कि अगर इसमें आप कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर एक जैसे कि अभी 18 रुपये ये कितना 19.50 रुपये का रेट था, तो इसको अगर 19 रुपये का रेट जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। तो उस सेल हो जाने के लिए आपको ट्रिगर फायर कराना होगा, उसके लिए आपको पहले ये सब कंप्लीट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो स्टॉप लॉस इस तरह से लगाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस के जगह पे हम लिख देते हैं 19.50 का रेट है, तो हम 18.50 तक हम 1 रुपये का लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, तो इसलिए हम एक रुपये का लॉस तक हम लगा के छोड़ देते हैं। 18.50 रुपये से नीचे वो नहीं जा सकता है, वहाँ पर जाएगा और ऑटोमेटिक ट्रिगर फायर होगा और आपका जो है वो सेल हो जाएगा, तो आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे प्राइस लिमिट भी ऊपर में लगा सकते हैं कि 21 रुपया मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ, तो 21 रुपया अगर लगाने से क्या होता है कि 19.50 में मैंने ख़रीदा है और 21 रुपया जैसे ही रेट जाएगा तो उस टाइम पे मेरा ये शेयर जो है वो सेल हो जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 1.5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसके बाद बाय पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है, इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है, ग्रो ऐप देखिए कितना बढ़िया है, स्टॉक इज़ अंडर वॉच बाय एक्सचेंज। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये रिस्की है, तो इसमें आप पैसा अभी नहीं लगाएं, तो मैं इससे आउट हो जाता हूँ, ये इसमें हम पैसा नहीं लगाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा शेयर जो है वो सिलेक्ट चूज़ कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे आपको दिखता है मोस्ट बाउट ऑन ग्रो, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखता है कि ग्रो में सबसे ज़्यादा क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। टॉप लूजर्स, टॉप शेयर वगैरह सारा कुछ दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे आप इस लाइन की मदद से आप देख सकते हैं कि बाइंग ऑर्डर कितना है और सेल ऑर्डर कितना है, इससे भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ग्रीन वाला अगर ज़्यादा रहता है तो उस टाइम पे हम इंट्राडे में इसको भी यूज़ कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही अपने पैसा अपना कहीं पर भी लगाएं, इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए कोई भी शेयर को ख़रीद करके आपको दिखाने वाला हूं और इसको किस तरह से इसका डिटेल वगैरह किस तरह से प्रॉफिट होगा, कैसे आप विड्रॉ करेंगे, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पे बने रहें, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं इस शेयर को ख़रीद लेता हूँ, यहाँ पर ख़रीद करके आपको दिखाता हूँ। अब इंडियन रेलवे, ये जो है इंट्राडे के लिए नहीं था, कोई शेयर होता है जो जिससे आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो हम जिससे इंट्राडे कर सकते हैं वही शेयर को आप देखेंगे, इसमें सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं PNB अभी ले लेता हूँ, PNB 72 रुपये का कुछ रेट दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर NSE क्वांटिटी में हम क्वांटिटी डाल देंगे जितना भी आपको ख़रीदना है। अब 72 रुपये के रेट से आपको देख सकते हैं 467 मेरे पास अमाउंट है वॉलेट में, लेकिन 5 गुना इसमें लिवरेज मिलता है, मतलब 5 गुना ज़्यादा अमाउंट तक भी आप इसी से खरीद सकते हैं क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं। इससे इंट्राडे करने से क्या है कि उन लोगों को भी प्रॉफिट होता है, इसलिए वो लोग लिवरेज देते हैं अपने तरफ से।
अब यहाँ पे मुझे 30 क्वांटिटी के आसपास हो रहा है तो मैं 30 क्वांटिटी इसमें बाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी नहीं लगाता हूँ, वो तो मैंने समझा ही दिया कि कैसे आपको लगाना है और कैसे नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉप लॉस लगाने का तरीका तो आपको मालूम है। स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे और जो भी अमाउंट है उस पर क्लिक करता, अभी मैं नहीं करता हूँ, बाई पे डायरेक्ट बाई पे बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप बाई ऑर्डर सक्सेसफुल, यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिख रहा है कि 30 क्वांटिटी आपने लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे पोजीशंस का, पोजीशन जो ऊपर में आपको टैब दिख रहा है ये वाला, तो पोजीशन आ गया। इसके अंदर में आपको देख सकते हैं कि पीएनबी का जो शेयर है आपने 30 जो है वो खरीद लिया है, और यहाँ पे अभी माइनस में 3 रुपया दिख रहा है। मतलब एकदम अप डाउन होता रहेगा, आपको वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अभी 1.5 रुपया दिख रहा है, तो उसी तरह आप वॉच करते रहें, जैसे ही इसका प्राइस हाइक हो भागेगा उसके बाद आपको बेच देना है। यहाँ पे पोजीशन डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बाई आपने कितने में ख़रीदा है, कितने में कितना इसका वैल्यू है, 2181 रुपये इसका वैल्यू है, जबकि 72.70 रुपये के हिसाब से आपने ख़रीदा है 30 शेयर। ठीक है, अभी सेल नहीं किया इसलिए यहाँ पे सेल में 0 दिख रहा है, और प्रॉफिट या रिटर्न जो भी रिटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल रिटर्न दिख रहा है, एक शेयर पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल रिटर्न आपको 0 है, अभी -1 है, माइनस +3 हो गया, माइनस +1.5 रुपया हो गया, तो ये अपडेट होता रहता है लाइव एकदम। तो यहाँ से आप नीचे में सेल और बाय का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे और भी खरीद सकते हैं या फिर इस शेयर को आप सेल करके एग्जिट भी हो सकते हैं। तो मैं इसको सारा कुछ अब करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा टेक्निकल चीज़ें आपके लिए बताता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस बटन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाता है कि कितना आपका ओपनिंग बैलेंस था, 467 ओपनिंग बैलेंस था। यहाँ पे आपने 439 का यूज़ कर लिया है और 27 रुपये अवेलेबल बैलेंस है। अभी विड्रॉ आप 27 रुपये कर सकते हैं, लेकिन अभी विड्रॉ नहीं करना है मुझे। ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट का भी बटन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, तो एग्जिट पे करेंगे तो आप एक साथ एग्जिट हो जाएंगे। तो एग्जिट का मतलब भी वही हुआ, सेल कर दिए आपने, तो वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैं वेट कर लेता हूँ, जब भी इसका रेट 1 रुपया 2 रुपये भागेगा वहाँ पे सेल कर देंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।